तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो थ्रेडिंग साइकिल G76 का प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मेरे पास में एक जॉब है और सबसे पहले मैं जो है वो थ्रेड के लिए डाया तैयार कर लेता हूं। तो अब जो मैं ये रफ़ कट जो मैं काट रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए जो मैंने इंसर्ट लिया है वो CNMG इंसर्ट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से टूल जो है वो रफ़ कट काटता जा रहा है। और जो मैं टर्निंग कर रहा हूँ वो अभी वो टर्निंग साइकिल में कर रहा हूँ, G90 के अंदर जो है मैंने कोड यूज़ किया है। और इसके अंदर जो है वो हमारा जो टूल है वो मेटल जो है वो काटता हुआ जा रहा है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो टर्निंग करता हुआ मेटल रिमूव हो रहा है और चिप्स भी निकल रहे हैं, कूलेंट भी जो है वो प्रॉपर जो है वो निकल रहा है। तो ये दो या तीन कट लेने के बाद में जो हमारा डायमीटर जो है वो हम लोग जो थ्रेडिंग के लिए रखेंगे वो हमारा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में जो है वो मैं सेकंड टूल जो चेंज करने वाला हूँ वो थ्रेडिंग का टूल आएगा और आउटर डाय के ऊपर जो है वो थ्रेड कटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो है वो एक कट और लेगा ये, और इसके बाद में जो है इसने ये चैम्पर लगा दिया। अब जो है वो थ्रेडिंग का टूल आ गया है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो थ्रेड को जो है वो काट रहा है। तो ये पहला कट कंप्लीट हुआ, दूसरा कट है और उसके बाद में जो है ये तीसरा कट इसने लगाया है। और ये कट जो है वो G76 कोड में लगा रहा है, यानी मल्टी थ्रेडिंग जो कैनेट साइकिल है वो है इसका G76। तो ये कट लगातार लगाता हुआ कंप्लीट कर देगा थ्रेड को और उसके बाद में जो है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर दिखाई देगा कि किस प्रकार से थ्रेड जो है वो कटे हैं। तो ये लगातार जो है वो टूल हमारा चल रहा है और एक अच्छे तरीके से जो है वो थ्रेड को काट देगा और प्रॉपरली कूरेंट जो है ऊपर आ रहा है इसके। और ये कंप्लीट हो गया ऑपरेशन, अब आप देखेंगे किस प्रकार से कितना अच्छा थ्रेड बना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।